सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले जिनेपाइटॉक्स के बारे में। जिनेपाइटॉक्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन डालेंगे और ये आईड्रॉप्स किस प्रकार काम करता है और ये आईड्रॉप्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये आईड्रॉप्स को यूज़ करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये आईड्रॉप्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, ये आईड्रॉप्स को इस्तेमाल करते समय किसी ने इसका इस्तेमाल मिस कर जाए तो अगले दिन इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आंखों में दर्द और सूजन यानी कि स्वेलिंग के इलाज में दिए जाने वाले आईड्रॉप्स इतना यूजफुल क्यों है और ऑप्थल्मिक डॉक्टर्स को क्यों रिकमेंड करते हैं, तो जिनेपाइटॉक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए आप ही आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप पर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं जिनेपाइटॉक्स, जो कि हमारे पास 5 ml का बॉटल है जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 168 यानी कि 168 रुपये के करीब इसकी MRP है। जिनेपाइटॉक्स को सनवेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जिनेपाइटॉक्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है नेपोफेनिक्स ऑप्थल्मिक सस्पेंशन यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है नेपोफेनिक 0.1% वेट बाय वॉल्यूम। जिनेपाइटॉक्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल पोस्ट ऑपरेटिव आंखों में दर्द एंड सूजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आंखों की सर्जरी के बाद होने वाले लक्षणों और सूजन को रोकने के लिए यह आईड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा में बताएं तो जिनेपाइटॉक्स का इस्तेमाल ऑपरेशन के बाद आंखों में दर्द सूजन लालिमा सूजन से राहत पाने के लिए जिनेपाइटॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिनेपाइटॉक्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क जिनेपाइटॉक्स। जिनेपाइटॉक्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि नेपोफेनिक्स ऑप्थल्मिक सस्पेंशन वो एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAID है जो आंखों में दर्द और इंफ्लेमेशन यानी कि आंखों का लाल होना सूजन पैदा करने वाले केमिकल मैसेजर को निकलने से रोकता है। जिनेपाइटॉक्स का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। प्रिकॉशन नंबर 1, डाइल्यूशन से बचने के लिए उसी आंख में अगली दवा डालने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक वेट करें। प्रिकॉशन नंबर 2, बोतल खोलने के 1 सप्ताह के भीतर इस आईड्रॉप्स का इस्तेमाल जरूर करें यानी कि जिनेपाइटॉक्स को अगर आप खोल दिए हैं तो इसको 1 वीक के अंदर इसका इस्तेमाल करना नेसेसरी है। जिनेपाइटॉक्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर या फिर अपने ऑप्थल्मिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस आईड्रॉप्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से जिनेपाइटॉक्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। जिनेपाइटॉक्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारी कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताएं। जिनेपाइटॉक्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी आईड्रॉप्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर या फिर अपने ऑप्थल्मिक डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।